कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण जहां हर तरफ लोग दहशत में हैं, वहीं शड़वा में स्थित जेपी सीमेंट पैकिंग प्लांट में कार्यरत कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि इनमें से कुछ कर्मचारी जारी बाजार में किराए का मकान लेकर परिवार सहित रहा करते थे। कोरोना पॉजिटिव पाए गए कर्मचारी कई दिनों से बुखार की शिकायत होने के कारण सीएचसी जसरा में जांच कराने के लिए गए थे, जहां पर जांच के उपरांत उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जसरा सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर तरुण पाठक के द्वारा बताया गया कि जेपी सीमेंट प्लांट में तैनात अन्य कर्मचारियों का भी जांच कराई जाएगी। स्वस्थ होने के लिए सभी कर्मचारियों को इलाज के लिए कलिंदीपुरम कोविड 19 सेंटर पर भेजा गया। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज से राजेश सोनकर की खास रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, आज अपने सीएससी में कितने लोग की जांच हुई, कितने लोग पॉजिटिव निकले और कहां से निकले? आज देखिए, हमारा टोटल एंटीजन टेस्ट हुआ था 61 हुआ, और इसमें जो आज 13 पॉजिटिव निकले, और इसमें जो सिम्टम वाले थे उनमें हम लोग 21 लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट भेजे हैं वहाँ पे मेडिकल जांच के लिए। ये 13 जो पॉजिटिव हैं, इसमें जेपी सीमेंट फैक्ट्री है कड़वा में है, उसी के लोग कॉन्टेक्ट थे, सब लोग वहीं हैं। कल वहाँ से आए थे, कुछ लोगों को बुखार की शिकायत थी सर्दी की, एक जहाँ से पॉजिटिव निकला उसमें, तो फिर वहाँ के मैनेजर को कहा गया कि अगर एक पॉजिटिव है तो आप और लोगों को बुलवाइए। तो कल उसमें कल 10 लोग आए थे, तो 5 पॉजिटिव निकल गए थे, तो उन्हीं के कॉन्टेक्ट से और लोग। लेकिन ये लोग कुछ लोग इसमें जारी बाजार में रहते हैं, तो जहाँ जारी बाजार में रहते हैं वहाँ पे इनके 2-3 परिवार इनके घर के निकले हैं, और 9 लोग जो हैं उस कॉन्टेक्ट के हैं, पूरे मिला के लोग जेपी सीमेंट में काम करने वाले लोग हैं। तो कुछ 13 पॉजिटिव वहीं के लोग हैं जो कि जेपी फैक्ट्री से ही रिलेटेड हैं।